नमस्कार, मैं पाखी शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। आज देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्मदिन है। आज के दिन साल 1945 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के तहसील डेरापुर के एक छोटे से गांव परौख में पैदा हुए थे। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। उन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार मीरा कुमार को हराया। अत्यंत साधारण दलित परिवार से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचे रामनाथ कोविंद ने सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते हुए शिखर तक का सफर तय किया है। कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। इतना ही नहीं, वो अपने शुरुआती दिनों में पेशे से वकील रहे। साल 1994 और 2000 में कोविंद उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य चुने गए और 12 साल तक सांसद रहे। वकालत की उपाधि लेने के पश्चात उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत भी आरंभ की। राष्ट्रपति कोविंद एक सामान्य परिवार में पैदा हुए। उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता, इसका जिक्र उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए भी किया था। उन्होंने उस वक्त बताया था, बचपन में फूस की छत से पानी टपकता था, तो वही इतनी गरीबी और दिक्कतें झेलने के बाद राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपने परौख गांव का पैतृक घर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दान कर दिया। 8 अगस्त 2015 को बिहार के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति हुई, लेकिन जब राज्यपाल पद पर उनकी नियुक्ति की गई थी तब ये भी कहा गया था कि भाजपा ने उनके सहयोगी दलों से समुचित विचार विमर्श नहीं किया था। राज्यपाल के पद पर रहते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों में नाकाबिल लोगों के चयन और वित्तीय कुप्रबंधन और आयोग्य शिक्षकों की प्रोन्नति में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। सांसद रहते हुए उन्होंने सांसद निधि से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में स्कूल के भवनों का निर्माण कराया और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान किया। अपने कॉलेज टाइम से ही रामनाथ कोविंद ने पिछड़े तबके के लिए बहुत काम किया, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और दलित महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया, तो वहीं समाज को शिक्षित करने के लिए उन्होंने कई बड़े कदम भी उठाए। तो ये थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से जुड़ी ही कुछ बातें। ऐसे ही बाकी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी।